सम्माननीय गृहमंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, सम्माननीय केंद्रीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री जुगल किशोर जी, डीडीसी के चेयर पर्सन श्री भारत भूषण जी, जम्मू के मेयर श्रीमान चंद्र मोहन गुप्ता जी, भारत सरकार के गृह सचिव श्री अजय भल्ला जी, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, समारोह में उपस्थित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, देवियों सज्जनों तथा नौजवान मित्रों, आज जम्मू शहर, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षा का शहर बना दिया, ऐसे जम्मू शहर में भारत के सम्माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं अपनी ओर से, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से और आप सबकी ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी का अभिनंदन करना मैं समझता हूं कि आवश्यक होगा। भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जिनके नेतृत्व में नई शिक्षा नीति पूरे देश में लागू की जा रही है, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान जी का भी मैं स्वागत करता हूं। जितेंद्र सिंह जी का भी स्वागत करता हूं। वैसे औपचारिकता ही है क्योंकि वो कई दिन से, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि आप सब, मैं जानता हूं कि माननीय गृह मंत्री जी को सुनने आए हैं, इसलिए अच्छा सीरियल आने वाला हो तो विज्ञापन थोड़ी देर का ठीक लगता है, तो मैं विज्ञापन के तौर पर हूं, बहुत अल्प समय में अपनी बात खत्म करूंगा। 5 अगस्त 2019 के ऐतिहासिक दिन को आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने और श्रीमान अमित शाह जी ने हिंदुस्तान के मुकुटमणि कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में लंबे समय से, मैं कहूं कि आजादी के बाद से, वर्ग विशेष के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करके समतामूलक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दिखाए हुए गुड गवर्नेंस तथा ट्रांसपेरेंसी के रास्ते पर चलकर विकास के नए मुकाम हासिल किए जाएं, इसकी ईमानदारी से कोशिश की जा रही है। जनभागीदारी, पारदर्शी व्यवस्था, उत्तरदायी, न्यायसंगत और समावेशी गवर्नेंस की व्यवस्था के केंद्र बिंदु में यहाँ के नौजवान, किसान, गरीब, भाई बहन तथा नारी शक्ति को रख करके पिछले 2 सालों से अनवरत कोशिश की गई है। उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। 73 सालों की खड़ी हुई की गई चुनौतियों को निपटने, रोजगार के अवसर बढ़ाने, गांव और शहरी इलाकों में लोगों की जिंदगी में सुधार लाने के लिए अनेक अहम कदम उठाए जा रहे हैं। मैं विस्तार में न जाकर के मैं केवल आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आदरणीय गृह मंत्री जी के कारण, माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर जिस रास्ते पर आगे बढ़ा है, मुझे लगता है कि आप सब उससे परिचित हैं। एक समय था यहाँ जब गुरखा समुदाय के लोग सरकारी नौकरी, उच्च शिक्षा से वंचित थे। वाल्मीकि समाज के लोग पढ़ाई लिखाई से और अच्छी नौकरियों से वंचित थे। यहाँ की बहनों को अधिकार नहीं मिल रहा था, लेकिन ये सब आज मैं समझता हूँ कि हकीकत में बदलता हुआ आप देख रहे हैं। अभी जिन योजनाओं का, जिन कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है, मैं कहना चाहता हूँ कि शायद आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में 8,000 लोगों को पारदर्शी तरीके से योग्यता के आधार पर नौकरी दी गई। 500 नौजवानों को मुमकिन के तहत कॉमर्शियल व्हीकल उपलब्ध कराई गई है। लंबे समय से वंचित हमारे गुजर और बकरवाल भाई ट्राइब समुदाय के गद्दी सिप्पी भाई, जिन्हें फॉरेस्ट राइट एक्ट नहीं मिला था, उन्हें इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट भी दिए गए। उनके पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके छात्रावास के लिए भी आज आदरणीय गृह मंत्री जी ने कई शिलान्यास का कार्यक्रम किया है। मित्रों, अनेक लोग कहते हैं कि बदला क्या है 2 साल, मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। 70 साल से आदरणीय गृह मंत्री जी, यहाँ जात के आधार पर लोगों को अधिकार था, जात
के आधार पर कि जमीन खरीद सकते थे नहीं खरीद सकते थे, उस कानून को आपके कारण बदल दिया गया। अब चाहे वो महाजन हो, सिख हो, चाहे चाहे खत्री समुदाय के लोग हो, वो भी जमीन खरीद सकते हैं। व्यवस्था इसी शासन में हो सकती है। यहाँ व्यवस्था थी कि अगर ऑर्चर्ड मैंने बगीचा लगाना है तो भी रेवेन्यू मिनिस्टर की परमिशन चाहिए, और काटना है तो भी चाहिए। उस व्यवस्था को भी बदल करके किसान को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ चाहे वो बगीचा लगा सकता है। चार कैनाल से कम भूमि जिसके पास थी वो भी हाई डेंसिटी प्लांटेशन वो नहीं कर सकता था। इस कानून को भी बदल दिया गया है। गरीब से गरीब किसान भी जहाँ चाहे वहाँ बगीचा लगा सकता है। ये अनेक बातें इन पिछले कुछ दो सालों में की गई। जम्मू संभाग में अपार संभावनाओं के बावजूद हाई डेंसिटी प्लांटेशन की मनाही थी। दोगुना तिगुना उत्पादन करने के लिए किसान चाहता था, इच्छा थी, लेकिन कानून उसे अनुमति नहीं देता था। इन सब कानूनों में बदलाव करके आज मुझे खुशी है इस बात को कहते हुए कि 2019 के पहले 200 हेक्टेयर जमीन पर ही मैंगो और साइट्रस की खेती होती थी। आज 2021 में 1300 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर मैंगो साइट्रस के हाई डेंसिटी प्लांट लगाए गए हैं। 2019 के पहले मैंगो साइट्रस की भी लीची, एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट, इन तमाम फलों को मिलाकर 70,000 हाई डेंसिटी प्लांटेशन किए गए हैं, और आज जम्मू कश्मीर में आंकड़ा 5 लाख के ऊपर पहुंच गया है, और इसे आने वाले 2 वर्षों में 25 लाख पहुंचाने का काम हम सब करेंगे। आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर के सभी स्कूलों, आंगनबाड़ी सेंटर्स तथा अस्पतालों को आज पहली बार आदरणीय गृहमंत्री जी ने पाइप्ड वाटर कनेक्शन से जोड़ा है। मैं कहना चाहता हूं कि शहरी निकायों में आज से कूड़ा उठान का काम पूरी तरह से पूरे जम्मू और कश्मीर में प्रारंभ कर दिया गया है। सामान्य आदमी के जीवन की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले से 2200-2300 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज इस साल 8,000 किलोमीटर मैग्नमाइजेशन जम्मू कश्मीर का R&D विभाग कर रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भी देश में तीसरा स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। मित्रों, तमाम इतने बड़े बजट के बावजूद अभी 974 गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं। मैंने पिछली बैठक में आदरणीय गृह मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था इसके लिए विशेष मदद की आवश्यकता होगी, और मैं जानता हूं उसी दिन गृह मंत्री जी ने आदेश निर्देश दिया था कि जल्दी से जल्दी इन गाँवों को भी सड़क से जोड़ने की योजना बननी चाहिए। अगर मैं बिजली की बात करूँ, अपार संभावनाओं के बावजूद पिछले 73 सालों में महज 3500 मेगावाट बिजली जम्मू कश्मीर में बनती है, और पिछले 2 वर्षों के अंदर 3450 मेगावाट नई बिजली बनाने का MOU हम लोगों ने नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन से साइन किया है, और मैं कह सकता हूं कि आने वाले 4-5 वर्षों में जितनी बिजली 73 वर्ष में बनती थी उतनी बिजली यहां फिर से बनने जा रही है। ऐसे हजारों प्रोजेक्ट थे जो 15-20 साल से लटके हुए थे, उनमें से अधिकांश को पूरा किया गया। PMDP के अंतर्गत भी 55 में से अधिकांश परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, उसमें से जो बची हैं वो इस साल पूरी हो जाएंगी। 3 ऐसी परियोजनाएं होंगी जो 23 में पूरी होंगी। चाहे वो मैं नेशनल हाईवे की बात करूं, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, और पिछले साल मुझे मालूम है कोशिश के बावजूद गर्मियों में जम्मू के लोगों का पसीना बहा है। 1150 MVA की क्षमता हमने बढ़ाई थी, बावजूद गर्मी में आपको बिजली की दिक्कत हुई है, मैं जानता हूँ। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ मित्रों, इस बार जो व्यवस्था की है, आगे जम्मू के लोगों को कभी बिजली की दिक्कत नहीं होगी। मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम यहाँ नहीं थी। प्रधानमंत्री जी के कारण आयुष्मान भारत के साथ साथ सेहत के अंतर्गत आज 51 लाख लोगों को गोल्डन कार्ड दिया गया है, और अब तक 172 करोड़ रुपए उन भाई बहनों को, गरीब भाई बहनों को दिया गया है इलाज के लिए इस योजना के अंतर्गत। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अभी उधमपुर मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया है। पहले 3 मेडिकल कॉलेज यहाँ होते थे, आज 7 मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, बोन इंस्टीट्यूट, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, 1275 नए वेलनेस सेंटर, अनेक इस तरह के काम पिछले सालों में हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि गत वर्ष 20,000 नौजवानों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो अपना काम कर सकें, इसके लिए आर्थिक सहायता दी गई थी। इस साल हमने 50,000 का लक्ष्य रखा है, लेकिन कल गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई 50,000 का क्यों है,
इसे बढ़ा करके 1 लाख ले चलो। मैं कहना चाहता हूं कि 1 लाख नहीं, 2 लाख लोग भी आएंगे तो उन्हें आर्थिक सहायता जरूर प्रदान की जाएगी। ऐसे ही 4.5 लाख महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से 910 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। और मित्रों, आर्मी वेटरन्स के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहली बार नौकरियों में वेटेज का प्राविधान किया है। फाइनेंशियल प्रूडेंस, ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, ये मुहिम अब जमीन पर उतरने लगी है। 2-2 कोरोना लहर के बावजूद हमेशा से घाटे में रहने वाला जम्मू कश्मीर बैंक आज 434 करोड़ के मुनाफे में काम कर रहा है। 21,943 परियोजनाएं इस कोरोना के बावजूद हमने पूरी की हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, पिछले साल अगस्त में हमारी ऑक्सीजन जनरेशन क्षमता 14,000 LPM थी। जब दूसरी वेव आई थी तो उस समय 55,000 LPM थी और आज 1 लाख LPM से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेशन की क्षमता जम्मू कश्मीर की है। तो उसका कारण और एक कारण है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसमें पूरा योगदान दिया है। और मैं कहना चाहता हूं, फर्स्ट डोज 18 साल के ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण हो चुका है, दूसरा डोज भी 50% से ज्यादा दिया जा चुका है। ये निश्चित रूप से गृहमंत्री जी के विशेष सहयोग के कारण, जब भी टीके की कमी हुई इन्होंने हम सबको तुरंत टीका उपलब्ध कराया। मैं इसलिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ट्राइबल भाई बहनों के 42,000 बच्चों को स्कॉलरशिप दी गई है, 8 लाख नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप दी है, 8.5 लाख लोगों को पेंशन दी जा रही है, अनेक इस तरह के काम हुए हैं। मैं उसमें समय नहीं लेना चाहता। पंचायती राज व्यवस्था में 5,262 करोड़ रुपए पिछले साल का बजट था, जिसे हम यूटी कैपेक्स कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस साल 12,600 करोड़ रुपए हो गए हैं। हर जिले को 2.5 गुना 3 गुना से ज्यादा पैसा दिया गया। एक बात मैं और कह के खत्म करूंगा, लंबे समय से यहाँ के लोगों की एक इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी रिट्रीट सेरेमनी सुचेतगढ़ पर हो। जो भी राजनीतिक दल, जो भी बड़े नेता यहाँ थे, सबने अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि जब मुझे जनता चुनेगी तो हम रिट्रीट सेरेमनी करेंगे। आज मैं कह सकता हूँ कि 2 अक्टूबर को रिट्रीट सेरेमनी बॉर्डर पर शुरू हुई तो उसका श्रेय देश के गृहमंत्री श्रीमान अमित शाह जी को जाता। इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आर्किटेक्ट भी यही हैं, इनके कारण ही वह इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी थी। 28,400 करोड़ का जिसमें इंसेंटिव है, मैं विवरण में नहीं जा करके केवल एक बात आपको बताना चाहता हूं कि अभी 500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट करने वाले जो एक सज्जन थे, जिनको जमीन के दस्तावेज आदरणीय गृह मंत्री जी ने उपलब्ध कराए हैं, 7,600 करोड़ से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आज स्वीकृत कर दिए गए हैं और जमीन उनको दे दी गई है। कल कश्मीर में भी इसी तरह से एक सेरेमनी और आदरणीय गृह मंत्री जी की के नेतृत्व में होगी। मित्रों, मैं स्मार्ट सिटी में जो काम हुए मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 बात कहना चाहता हूं। मित्रों, अगले साल मेट्रो जम्मू में 23 किलोमीटर लंबाई की उसका काम शुरू हो जाए, इसकी व्यवस्था भी भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। और दूसरी बात, यहाँ के लोगों की 2 इच्छाएं बड़ी जबरदस्त रही हैं, एक मुबारक मंडी और दूसरा तवी रिवर फ्रंट। कागजों में जरूर चलती थी, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 79 करोड़ रुपया देकर के उस काम को शुरू कराने का काम किया है और टेंडर के 10 महीने के अंदर उस काम को हम पूरा करेंगे। ये जम्मू के लोगों के लिए हम सबका कमिटमेंट है। मैं यही अपनी बात, स्पोर्ट्स में भी जो काम हुआ है, आज रंजीत सागर डैम में 1 सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है। पर्यटन की दृष्टि से भी आपकी जो उपेक्षा हुई है, मैं जानता हूं उस बात को और बराबर इस बात का गृहमंत्री जी ख्याल रखते हैं कि कहीं भी जम्मू के साथ अन्याय न हो। बराबर उनका ये निर्देश रहता है कि अधिक से अधिक जम्मू की संभावनाओं को तलाश करके उस काम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इतनी ही बात कह करके मैं अंत में, धर्मेंद्र जी हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सेंटर फॉर इनोवेशन, इन्वेंशन और इंक्यूबेशन और ट्रेनिंग टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से जम्मू शहर में जिस दिन हमने उद्घाटन किया था, आईआईटी के डायरेक्टर साहब भी थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारे लैब में भी ऐसे इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ के नौजवान भी इंडस्ट्री 4.0 की तकनीक से प्रशिक्षित हो सकें, इसका इंतजाम किया गया और ऐसे 12 और सेंटर हम खोलने जा रहे हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स जिन्हें 1990 के दशक से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जब पोर्टल लॉन्च हुई 6,000 शिकायतें आई, जिसमें से 2,000 का निवारण हो गया है और बाकी का भी जल्द से जल्द निवारण कर दिया जाएगा। मैं जानता हूं
कुछ लोगों को ये बात ठीक नहीं लग रही है और वो नापाक कोशिश कर रहे हैं, नाकाम कोशिश कर रहे हैं भावनाओं को भड़का करके यहाँ हिंसा बहाने। मैं कहना चाहता हूँ कि उन्हें मालूम नहीं है कि सरकार दिल्ली में किसकी है, भारत का गृहमंत्री कौन है। मैं कहना चाहता हूँ कि ये सरकार शांति खरीदने में विश्वास नहीं करती है, शांति स्थापित करने में विश्वास करती है। और हम आपको भरोसा देना चाहते हैं, कल जिस तरह से सम्माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक में जिस तरह से बातें कही हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, यहाँ के 125 करोड़ नागरिकों के जान माल की हिफाजत करना ये इस प्रशासन का प्राथमिक दायित्व तो है। और खास तौर से जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हैं, मैं समझता हूँ किसी भी प्रशासन का राष्ट्रीय कर्तव्य मैं मानता हूँ इन लोगों की जान माल की हिफाजत की जाए। मैं इतनी ही बात कहता हुआ आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ आदरणीय गृह मंत्री जी का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत।